हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग विद एजे सर यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आई बिलीव यू हैव वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स पोस्टेड ऑन दिस चैनल एंड टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ चैप्टर द रैट ट्रैप फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। देखिए बच्चों, रैट ट्रैप का मतलब होता है एक ऐसा केज जिसका यूज रेट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो हिंदी में से हम कहते हैं चूहे दाने। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को बिना किसी देरी के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इसके राइटर की, और इस चैप्टर को लिखा है सेल्मा लैगलफ ने। आप इसकी फोटो देख सकते हैं, सेल्मा लैगलफ। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये पहली महिला है जिन्होंने नोबल प्राइज जीता है लिटरेचर के फील्ड में इन द ईयर 1909। इसके अलावा एक और खिताब इनके नाम है कि ये पहली ऐसी महिला रही है जिनको द स्वीडिश एकेडमी की मेंबरशिप मिली इन 1914। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्वीडिश राइटर हैं सेल्मा लैगलफ। इनकी कहानियां बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई है। इनका कारण यही है कि उन सभी कहानियों में जो थीम है, जो उस कहानी में जो मैसेज है, वो यूनिवर्सल है। इनकी कहानियों में एक जो कॉमन यूनिवर्सल थीम मिलती है वो ये है कि एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर एक इंसान में गुडनेस यानी कि अच्छाई को जगाना है या उसे जागृत करना है तो इसके लिए दो चीजें हमारी मदद कर सकती हैं। सबसे पहली है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, और दूसरा है लव यानी कि प्यार। यानी अगर हम किसी इंसान को अच्छे से समझ लें और उसे लव और केयर के साथ में ट्रीट करें तो हम उस इंसान के अंदर एक गुडनेस को यानी अच्छाई को जगा सकते हैं। आई होप इस कहानी की थीम आपको समझ में आई होगी। आगे बताया गया है कि ये जो कहानी है ये स्वीडन की उन लोहे की खदानों के आसपास घूमती है, यानी कंट्री है यूरोप में। मैं आपको दिखाऊं तो मैप में ये जो कंट्री आपको दिख रहा है, दिस इज स्वीडन। इसके पास में ये नॉर्वे है, ये इधर फिनलैंड है, ये इधर आपको फ्रांस दिख रहा है। ये जो लोहे की खदान है ये इस कंट्री की हिस्ट्री और इनकी जो कहानियां हैं उनमें आपको इनका जिक्र मिलता है। अगर हम इस कहानी की बात करें द रैट ट्रैप की, तो ये कहानी एक तरीके से परियों वाली कहानी की तरह प्रेजेंट की गई है, यानी कि फेरी टेल की तरह से प्रेजेंट किया गया है। आई होप आप इस कहानी के राइटर सेल्मा लैगलफ, इस कहानी की थीम और इस कहानी के थोड़े से बैकग्राउंड को आप समझ पाए होंगे। डिटेल से जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस चैप्टर की टेक्स्टुअल एक्सप्लेनेशन। और हमेशा की तरह सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक और पेंसिल साथ रखें, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपके सामने आते हैं आप उनको जरूर नोट करते हुए चलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत सी कहानी की टेक्स्टुअल एक्सप्लेनेशन। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार की बात है कि एक इंसान वायर से बने हुए छोटे रेड ट्रैप्स बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मेटीरियल He got by bagging in the stores or at the big farms. वो इंसान उन चूहे दानियों को खुद अपने हाथों से अपने खाली समय में यानी ओल्ड मोमेंट्स में बनाता था, और इसको बनाने के लिए जो मेटेरियल वो यूज करता था ये मेटेरियल वो खुद भीख मांग लेता था उन दुकानों से या उन बड़े बड़े फार्म से। But even so, लेकिन इसके बावजूद भी The business was not especially profitable. लेकिन इसके बाद भी ये business बिल्कुल लाभ देने वाला नहीं था, profit देने वाला नहीं था। So,
He had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. और इसी वजह से ही अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए उसने भीख के साथ साथ छोटी मोटी चोरी करना भी शुरू कर दिया. Even so, ऐसा होते हुए भी his clothes were in rags. उनके कपड़े बहुत ही बुरे हालत में थे. His cheeks were sunken and the hunger gleamed in his eyes. उसके गाल चिपके हुए थे और उसकी आंखों में भूख क्लियरली दिखाई दे जा सकती थी. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditation. देखिए बच्चों, वैगाबॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसका खुद का कोई मकान नहीं होता. ये गलियों में सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहता है पूरे दिन और रात को कहीं भी ये सो जाता है. तो देखिए यहां कहा गया है कि कोई भी इंसान ये बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे किसी घुमक्कड़ रेड ट्रैप सेलर की जिंदगी कितनी सैड और कितनी बोरिंग हो सकती है. वो रेड ट्रैप सेलर, वो वैगाबॉन्ड जो कि उन सड़कों पर पैदल ही घूमता रहता है और जो अक्सर अपनी खुद की मेडिटेशन में अपने खुद के ख्यालों में खोया रहता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स व्हिच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग. लेकिन एक दिन की बात है कि इंसान अपने लंबे ख्यालों में खो गया और ये ख्याल जो उसको खुद को भी बहुत ही एंटरटेन कर रहे थे. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. वो इंसान उस दिन अपने उन चूहे दानियों के बारे में सोच रहा था कि अचानक से उसके मन में एक आइडिया आता है कि ये पूरी दुनिया जिसमें शामिल है ये जमीन, ये समुंदर, ये शहर और ये गांव, ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है सिवाय उस बड़ी सी चूहे दानी के. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. ये दुनिया रूपी चूहे दानी सिर्फ इसीलिए ही मौजूद है यहां पर. इसका सिर्फ एक ही पर्पस है यहां पर कि यहां ये चूहे दानी लोगों के लिए बेट्स रखती है. देखिए बेट्स आप देख सकते हैं चूहे दानी में, यहां पर लगाई जाने वाली वो टेम्पटेशन है, वो अट्रैक्टिव चीज है खाने की जिसको रैट देखता है और जिससे आकर्षित होकर वो अंदर की तरफ आता है. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. ये दुनिया लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीजें ऑफर करती है जैसे riches and joys, यानी धन दौलत और खुशियां, shelter यानी कि घर और food यानी कि खाना, heat यानी एनर्जी और clothing यानी कपड़े. ये सब चीजें ठीक उस चूहे दाने की तरह हैं जो चीज और पोर्क ऑफर करती हैं चूहे को फंसाने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. एंड एज सून एज एंड इवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड. और जैसे ही कोई इंसान इससे प्रभावित होकर इस बेट को टच करने की कोशिश करता है, इसके टच करते ही ये उसको हमेशा के लिए बंद कर देता है और उसके बाद हर एक चीजें खत्म हो जाती है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इस दुनिया का कोई भी इंसान उस रेड ट्रैप सेलर की तरफ
बिल्कुल भी कोई किसी तरीके का दया भाव नहीं रखता था, जिसकी वजह से इस रेड ट्रैप सेलर ने उन सभी लोगों की बुराई सोचना शुरू कर दिया और इससे उनको अनवांटेड जॉय यानी अनयूजुअल हैप्पीनेस मिलती थी। इट बिकेम ए चेरिश पास टाइम ऑफ हिज। उन लोगों के बारे में बुरा सोचना इस रेड ट्रैप सेलर का एक फेवरेट टाइम पास बन गया था। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉटिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेस। अपने उन डल मोमेंट्स में बहुत बार ये रेड ट्रैप सेलर उन सभी लोगों के बारे में सोचता था जो लोग उस खतरनाक जाल में ऑलरेडी फंस चुके थे और वो लोग जो कि उस खतरनाक जाल के अंदर रखी उस बेट के चारों तरफ घूमते थे जो उनमें फंसने ही वाले थे। इन सब को सोचकर वो रेड ट्रैप सेलर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता था। One dark evening, as he was strolling along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक शाम की बात है कि रेड ट्रैप सेलर सड़क पर घूम रहा था कि उसकी नजर पड़ी एक छोटी सी ग्रे कलर की कॉटेज पर जो बनी थी रोड के किनारे पर। And he knocked on the door to ask shelter for the night. वो इस कॉटेज के दरवाजे पर जाकर नॉक करता है और उनसे पूछता है कि क्या वो उस रात वहां उनके साथ रह सकता है। Nor was he refused, और ना ही उसको किसी ने मना किया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Generally, हर एक इंसान उस रेड ट्रैप सेलर की मदद नहीं करता है, लेकिन उनसे विपरीत इस कॉटेज का जो मालिक है, जो कि एक बूढ़ा इंसान है जिसकी ना ही कोई बीवी है ना ही कोई बच्चा है, वो बहुत खुश है कि उसके पास कोई चल कर आया है जिससे वो अपने अकेलेपन में बातचीत कर सकता है। Immediately, he put the porridge pot on the fire and gave him supper. उसके बाद उसने तुरंत उन पॉरिश को गर्म करने के लिए उसे चूल्हे पर रखा और इसके गर्म हो जाने पर उस रेड ट्रैप सेलर को खाने के लिए दिया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसके बाद उसने अपने उस टबैको रोल में से एक बड़ा सा हिस्सा काट दिया, इतना बड़ा जो उस स्ट्रेंजर और उसके खुद के पाइप के लिए काफी हो। Finally, he got out an old pack of cards and played jolts with his guests until bedtime. और आखिरी में वो इंसान ताश की पुरानी गड्डी लेकर आया और उसने अपने मेहमान के साथ सोने तक एक खेल खेला जिसका नाम है जॉल्स। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. वो बूढ़ा इंसान बहुत ही ज्यादा generous था। उसने इस गेस्ट के साथ न सिर्फ अपनी पॉरिज और टोबैको शेयर की, जबकि उसके साथ उसने अपने कॉन्फिडेंसेस भी शेयर की। कॉन्फिडेंसेस का मतलब है सीक्रेट्स भी शेयर। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्राफ्टर एट रामसो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्क्ड ऑन द लैंड। मेहमान को एक बार ये भी बताया गया इस घर का जो मेजबान है वो एक बार बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरस यानी कि खुशहाल और अमीर हुआ करता था। ये बात तब की है जब वो एक रामसो आयरन वर्क्स कंपनी में काम करते थे एज ए क्राफ्टर और उनकी जमीन पर वो पूरे दिन काम किया करते थे। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर
able to do day labor. It was his cow which supported him. क्योंकि अब ये इंसान बूढ़ा हो चुका है और वो कुछ भी काम नहीं कर सकता, इस वजह से ही वो अपनी एक गाय पर डिपेंड है अर्निंग्स के लिए. Yes, that Bosie was extraordinary. बिल्कुल, वो गाय बेहतरीन थी. देखिए बच्चों, यहां पर ये वर्ड POSSY, ये वर्ड लेटिन वर्ड POS से लिया गया है. बॉस, बॉस का मतलब होता है काउ. तो वो गाय बेहतरीन थी. She could give milk for the creamery every day. ये गाय हर रोज बहुत सारा दूध दिया करते थे, जिसको क्रॉफ्टर एक ऐसी फैक्ट्री में बेचते थे जिससे मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. And the last month, he had received all of the 30 kroner in payment. और इसी वजह से ही, इसी दूध से ही, पिछले महीने क्रॉफ्टर ने पूरे 30 kroner कमाए थे. देखिए, kroner यहाँ पर एक स्वीडिश करेंसी हुआ करती है. The stranger must have seen incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. क्योंकि उस red dress seller को उस इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था. Incredulous का मतलब होता है जिसपे easily believe नहीं किया जा सकता. उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक गाय इतना पैसा किसी को कमाकर दे सकती है. इस बात पर यकीन दिलाने के लिए ही वो बूढ़ा इंसान खड़ा होता है, अपनी खिड़की पर जाता है और वहां नेल यानी कि कील पर टकी एक लेदर पाउच को नीचे उतारता है और इस पाउच में से वो 3 10 क्रोनर्स के नोट बाहर निकालता है, यानी कि टोटल 30 क्रोनर बिल्स निकालता है. देखिए बच्चों, बिल्स का मतलब होता है नोट्स. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. उस क्रॉफ्टर ने उन नोट्स को अपने गेस्ट की आंखों के सामने लाके रखा, क्योंकि वो उसे यकीन दिलाना चाहता था जो भी उसने अभी कहा. ये जानते हुए उसने सर हिलाया और उसने वापस से उन नोट्स को उस पाउच के अंदर रख दिया. देखिए बच्चों, स्टफ का मतलब होता है टू फिल अप समथिंग. द नेक्स्ट डे बोथ मेन गोट अप इन गुड सेशन. अगली सुबह दोनों इंसान बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं. इन गुड सेशन का मतलब है अर्ली इनफ. द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ. क्रॉफ्टर को थोड़ी जल्दबाजी थी क्योंकि वो गाय का दूध निकालना चाहता था. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन द बेड when the head of the house had gotten up. और दूसरे इंसान ने शायद ये सोचा कि उसे ज्यादा नहीं सोना चाहिए, वो भी तब जब घर का मालिक ऑलरेडी उठ चुका हो. They left the cottage at the same time. एक ही समय पर दोनों कॉटेज से चले जाते हैं. The crofter locked the door and put the key in his pocket. क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद किया और चाबी को अपनी जेब में रखा. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. वो इंसान जो कि चूहे दानियां बेचता था, उसने उसे धन्यवाद कहा और goodbye कहने के बाद दोनों अपने-अपने रास्ते चले गए. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. लेकिन आधे घंटे के बाद वो rat trap seller एक बार फिर से उस दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाता है. He did not try to get in, however. हालांकि वो अंदर आने की कोशिश नहीं करता. He only went to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with a 30 kroner. वो सिर्फ खिड़की तक जाता है और खिड़की में लगे शीशे को तोड़ देता है. तोड़ने के बाद वो अपना हाथ अंदर डालकर उस पाउच को पकड़ के बाहर ले आता है जिस पाउच में वो 30 कॉर्नर रखे हुए थे. He took the money, उसने उस सारे पैसे को ले लिया, and thrust it into his own pocket, और सारे पैसे को अपनी जेब में डाल लिया. Then he hung the leather pouch very carefully
back in its place and went away. एक बार फिर से उसने उस लेदर पाउच को बहुत ही ध्यान से उसकी जगह पे लटका दिया और उसके बाद वो वहां से चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे ही अपनी जेब में उस पैसे को डालकर वह इंसान जा रहा था, वो बहुत खुश था कि वो कितना स्मार्ट है. He realized, of course, that at first he dare not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. एक बार उसने ये सोचा कि उसे शायद उन पब्लिक हाईवे को यूज नहीं करना चाहिए, यानी पब्लिक रोड्स को यूज नहीं करना चाहिए अगर उसे अपने आप को बचकर रहना है. उसने सोचा कि क्यों ना वो जंगल के रास्ते से चला जाए. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉजिंग नो डिफिकल्टी, शुरुआती कुछ घंटों में जंगल में जाते हुए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई. लेटर इन द डे It became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, सिचुएशन बुरी होती जाती है, क्योंकि जिस जंगल से वो जा रहा है वो जंगल बहुत ही बड़ा और बहुत ही कंफ्यूजिंग है. He tried to be sure to walk into a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. उसने कोशिश की एक ही डायरेक्शन में सीधा चलने की, लेकिन वो रास्ते अजीब तरीके से आगे और पीछे की तरफ मुड़ रहे थे. He walked and walked without coming to the end of the wood. And finally, he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वो चलता रहा, लेकिन जंगल खत्म नहीं हुआ और आखिरी में उसको यह महसूस हुआ कि वो अभी तक एक हिस्से में ही चल रहा था, यानी वो घूम फिरकर एक ही जगह पे बार बार आ रहा था. All at once, he recalled his thoughts about the world and the rat trap. एक ही बार में वो याद करता है अपने उन ख्यालों को, उस दुनिया और उस पिंजरे के बारे में. Now his own turn has come. अब उसका खुद का नंबर आ चुका है. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने अपने आप को उस बेट के पीछे पागल बनने दिया और देखिए आज वो खुद फंस चुका है उस जाल में. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closing upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. ये पूरा जंगल जिसमें शामिल है वो तने, इसमें शामिल है वो शाखाएं, वो घनी झाड़ियां और वो गिरे हुई लकड़ियां, ये सब मिलकर एक ऐसी जेल की तरह है जिसको भेदा नहीं जा सकता, जो कैसी है, इम्पेनिट्रेबल है. इस जेल ने इस रेड ट्रैप सेलर को चारों तरफ से बंद कर दिया है और इस जेल से वो रेड ट्रैप सेलर कभी नहीं बच सकता था. इट वॉज लेट इन डिसेंबर, डिसेंबर का आखिरी समय चल रहा था. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में हर तरफ अंधेरा छा गया था. दिस इंक्रीज द डेंजर, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया. एंड इंक्रीज ऑल्सो His gloom and despair, जिससे उस पैडलर के दिल में डार्कनेस और होपलेसनेस बढ़ जाती है, क्योंकि अंधेरे के बढ़ने की वजह से उसका जंगल से निकल पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है. Finally, he saw no way out. और आखिरी में उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है बाहर निकलने का. And he sank down on the ground, tired to death. Thinking that his last moment had come, और थक कर चूर होकर वो जमीन पर गिर जाता है और ये सोचने लग जाता है कि उसका आखिरी समय आ गया है. But
just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard regular thumping. और जैसे ही वो जमीन पर गिरा हुआ था, उसने तभी अचानक से एक आवाज सुनी, एक तेज और लगातार चोट मारने की आवाज. There was no doubt as to what that was. इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये आवाज कहां से आ रही थी और किस चीज की थी. He raised himself. वो अपने आप से खड़ा होता है. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. उसने सोचा कि ये आवाजें किसी आयरन मील से आ रही हैं, जो कि किसी हथौड़े के चोट मारने की आवाजें हैं. There must be people nearby. आसपास वहां पर लोग जरूर होंगे. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. उसने अपनी ताकत को इकट्ठा किया और वो खड़ा होता है, और उसके बाद लड़खड़ाते हुए वो उस आवाज की दिशा में चल पड़ता है. The Ram's iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. Ram's iron work, जो कि फिलहाल बंद हो चुका है, कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था. यहां पर मेटल को पिघलाने के लिए स्मेल्टर हुआ करता था. यहां पर एक ऐसी मशीन हुआ करती थी जो कि मेटल को शीट्स तक रोल करती थी. यहां पर कुछ भट्टियां भी थी. इन द समर टाइम ए लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मील वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन From the big charcoal crates. गर्मी के मौसम में मेटल से लबालब भरी बहुत सारी बार्शेस और स्कोर्स, यानी लंबी और सपाट सतह वाली नाव, उस नहर के रास्ते मील तक आया करती थी, जो नहर एक झील से जुड़ी हुई थी. और सर्दी के मौसम में उन चारकोल क्रेट्स के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उड़ने वाली उस कोयले की धूल से उस मील के आसपास के सारे सड़क काले पड़ जाते. During one of the long dark evenings, just before Christmas, the master smith and his helper sit in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready. To put on the anvil. Christmas के दौरान एक लंबी और अंधेरी शाम को मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर एक अंधेरी सी भट्टी के पास बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे उस पिग आयरन यानी कच्चे लोहे का. उस कच्चे लोहे को एनविल पर रखे जाने लायक बनाने के लिए उसे आग पर रखा गया था. देखिए बच्चों, एनविल एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज किया जाता है कच्चे लोहे को नई शेप देने के लिए. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद प्रेस्पिरेशन दो एज वॉज द कस्टम. ही वर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज. मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर बारी बारी से उस हॉट लिक्विड मेटल को एक लंबी सी लोहे की छड़ी से हिलाते रहते थे और वो कुछ ही सेकंड में उसको हिलाकर वापस आ जाते थे, पसीने से बिल्कुल तरबतर, क्योंकि यही उनकी परंपरा थी. उस मास्टर स्मिथ ने एक लंबी सी शर्ट और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहने हुए थे. ऑल द टाइम There were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and the sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. उन आवाजों में
सबसे पहली आवाज थी उन बेलोज की। देखिए, बेलोज एक हवा फूंकने का यंत्र होता है जिसको हम यूज करते हैं आग को धधकाने के लिए। तो ऐसी बेलोज से भी कुछ आवाजें आ रही थी और कुछ आवाजें उन कोयलों के टूट जाने की थी। वहां आप आवाज सुन सकते थे फायरबॉल के द्वारा उस चारकोल को भट्टी के जबड़े में शोवल यानी मूव करने से निकलने वाली उस तेज आवाज को, और तेज उत्तरी हवाएं जो कि उस ईट और टाइल से बनी छत को बारिश की बूंदों से कोड़े मार रही थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट फॉर ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक्समिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेस। ये शायद उन आवाजों की वजह से ही था कि वो ब्लैकस्मिथ उस इंसान को नोटिस नहीं कर पाया जो इंसान उस फोर्ज के मेन गेट को खोलकर उस फोर्ज के अंदर आ गया था। ब्लैकस्मिथ ने उस इंसान को तब नोटिस किया जब वो उस भट्टी के पास आकर खड़ा हो गया। Surely, it was nothing unusual for poor vagabonds, without any better shelter for the night, to be attracted to the forge by the glow of the light, which escaped through the sooty panes, and to coming to warm themselves in front of the fire. निश्चित तौर पर इसमें कुछ अलग नहीं था कि उस रेट्रेप सेलर जैसे गरीब और बेघर इंसान जिनके पास रात को रहने का कोई अच्छा आसरा नहीं होता, वो लोग बहुत आसानी से उस भट्टी से निकलती उस रोशनी के प्रति बहुत आसानी से अट्रैक्टेड हो जाते, आकर्षित हो जाते। वो रोशनी कोयले के जलने से निकलने वाले काले पाउडर से ढके उस खिड़की में से बाहर निकलती थी। ये लोग अंदर आते थे ताकि वो लोग आग के सामने अपने आप को गर्म रख सकें। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. उन सभी blacksmiths ने उस बिना आज्ञा के आए घुसपैठिए को बहुत ही normally और बिना उत्सुकता के देखा, क्योंकि उस जैसे लोग अक्सर वहां आते ही रहते थे। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty rag, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. ये बेघर rat trap sailor दूसरे बेघर लोगों की तरह ही दिखाई देता था। इसकी एक लंबी दाढ़ी थी, ये बहुत ही गंदा था, इसके कपड़े फटे हाल थे, और इसकी छाती पर कुछ rat traps का एक बंडल लटक रहा था। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him a single word. उस पेडलर ने उस मास्टर ब्लैकस्मिथ से वहीं एक रात रुकने की परमिशन मांगी, और मास्टर ब्लैकस्मिथ ने बिना एक शब्द बोले ही उसने बहुत ही घमंडी तरीके से, बहुत ही अहंकारी तरीके से उसको परमिशन दे दी। The tramp did not say anything either. और इसके जवाब में tramp ने यानी उस बेघर इंसान ने भी उसे कुछ भी नहीं कहा। He had not come here to talk, but only to warm himself and sleep. वो वहां पर बातचीत करने के लिए नहीं आया है, वो यहां आया है ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके इस कड़ाके की ठंड से और वहां पर सो सके। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों एक बहुत ही प्रसिद्ध iron master Ramso iron mill के मालिक हुआ करते थे, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. और इस iron master का एक मकसद ये था कि वो बाजार में बेहतरीन क्वालिटी का लोहा बेचना चाहते थे। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on
वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और इस चीज को चेक करने के लिए ही ये आयरन मास्टर मील में होने वाले उस काम को रात और दिन देखा करते थे और जांचा करते थे कि क्या काम सही से हो रहा है और क्या ये काम पॉसिबल है या नहीं है। और ठीक इसी समय जब पैडलर उस दिन उस फोर्ज में आया था, उसी रात को ही वो इंस्पेक्शन के लिए उस फोर्ज में आई। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. मील में अंदर आते ही आयरन मास्टर ने उस लंबे से इंसान को देखा जिसके कपड़े फटे हुए थे और जो बहुत ही ज्यादा गरीब दिखाई दे रहा था। ये इंसान उस भट्टी के बहुत ही नजदीक आके बैठ गया, इतना नजदीक कि उसके गीले कपड़ों में से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। आयरन मास्टर ने वो नहीं किया जो उन सभी ब्लैकस्मिथ्स ने किया, उस अजनबी की तरफ ध्यान न देना। आयरन मास्टर ने उस अजनबी की तरफ ध्यान दिया और उस अजनबी की तरफ देखना, उस अजनबी के बारे में कुछ जानना, ये ऐसा काम नहीं था जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट ना करे। देखिए बच्चों, डेन का मतलब होता है कि जब आपको ये लगे कि कोई काम आपकी पर्सनैलिटी के लायक नहीं है, पर्सनैलिटी से सूट नहीं करता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये काम छोटा है, तो इसे कहते हैं डेन। तो उस स्ट्रेंजर के बारे में जानना, उस स्ट्रेंजर की तरफ देखना, ये काम आयरन मास्टर को छोटा नहीं लग रहा था उसकी पर्सनैलिटी के। He walked close up to him, looked him over very carefully, and then tore off his slouch hat to get a better view of his face. आयरन मास्टर उसके बाद उस इंसान के पास जाते हैं और उसको बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके चेहरे का एक अच्छा नजारा लेने के लिए, यानी उस चेहरे को अच्छे से देखने के लिए, उसने उसकी एक तरफ झुकी हुई टोपी को हटा दिया। But of course it is you, Nellis Ulof. How you do look? He said. पैडलर के चेहरे से टोपी को हटाने के बाद आयरन मास्टर ने कहा कि ये तो तुम हो Nellis Ulof, ये तुमने क्या हशर कर रखा है, ये तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramsau and did not even know what his name was. चूहे दानी वाले उस इंसान ने आज से पहले कभी भी उस iron master को Ramsau iron mill में नहीं देखा था, और यहां तक कि उसे तो ये भी नहीं पता था कि इस iron master का नाम क्या है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन पैडलर को तभी ये सोचता है कि अगर ये भला इंसान ये सोच रहा है कि मैं उसका कोई पुराना जान पहचान वाला हूं, तो शायद ये मुझे कुछ क्रॉनर्स दे सकता है। Therefore, he did not want to undeceive him all at once. इसीलिए ही वो पेडलर बिल्कुल नहीं चाहता कि वो उस आयरन मास्टर की इस गलतफहमी का फायदा ना उठाए और उसे धोखा ना दे। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. आयरन मास्टर के दिल में सहानुभूति जगाकर उसे ठगने के पर्पज से पैडलर ने उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया, और उसने कहा कि हां, भगवान जानता है कि मेरे साथ हर एक चीज कितनी बुरी हुई है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। दैट वॉज अ मिस्टेक। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, इट नेवर वुड हैव हैपेंड। वेल, नाउ ऑफ कोर्स
यू विल कम होम विद मी। आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें उस मिलिट्री यूनिट से बिल्कुल भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, यह एक गलती थी। अगर मैं उस समय मिलिट्री में होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस्तीफा नहीं देने देता। लेकिन चलो अब ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. एक शाही आलिशान घर में जाना और एक ऐसे मालिक से अवगत करवाना जो कि आपका एक पुराना मिलिट्री सहयोगी रहा हो, ये सोचकर वो बेघर इंसान डर गया और खुश नहीं हुआ। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। पूरी तरह सचेत होकर पैडलर ने कहा कि नहीं, मैं आपके घर पर नहीं जा सकता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने तभी उन 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्री इन टू द लॉयंस डैन। उस आलिशान घर में जाना वैसा ही है जैसे अपने आप को जानबूझकर शेर की गुफा में गिरा लेना। He only wanted a chance to sleep here in the forge and sneak away as inconspicuously as possible. वो पैडलर सिर्फ उस रात उस भट्टी के पास सोना चाहता था और सुबह होते ही बिना किसी के ध्यान में आए वो वहां से भाग जाना चाहता था। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. उस iron master ने अनुमान लगाया कि वो इंसान इसलिए घर पर नहीं आ रहा क्योंकि उसको लगता है कि उसके कपड़े बहुत ही बुरे हालत के हैं। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. Iron Master ने उस इंसान को अपने घर पर ले जाने के लिए मनाना शुरू किया। उसने कहा कि प्लीज ये मत सोचो कि मेरे पास इतना सुंदर घर है कि तुम वहां नहीं आ सकते। तुम्हें तो शायद ऑलरेडी पता हो कि मेरी वाइफ Elizabeth पहले ही मर चुकी है। My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. मेरे बेटे विदेश में हैं और मेरे घर पर मेरे और मेरी बड़ी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है। We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. मैं और मेरी बेटी ये बात कर रहे थे कि कितना बुरा है कि क्रिसमस आने वाला है और हमारे पास किसी भी इंसान का साथ नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और चलो अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस पर बनने वाले खाने को खाकर जल्दी खत्म करवाने में हमारी मदद करो। But the stranger said no. And no, and again no, and the iron master saw that he must give in. लेकिन उस अजनबी ने बार-बार मना किया, बार-बार मना किया कि वो घर पर नहीं जाएगा। इतना मना किया कि iron master ने सोचा कि शायद उसे अब और ज़्यादा नहीं कहना चाहिए चलने के लिए। It looks as though Captain von Stahle preferred to stay with you tonight. Stern strong, he said to the master blacksmith, and turned on his heel. Iron Master ने master blacksmith को उसके surname से पुकारते हुए से कहा कि ऐसा लगता है जैसे Captain von Stahle आज की रात आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये कहकर Iron Master मुड़ जाता है। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well
that he had not said his last word. लेकिन आयरन मास्टर वहां से हंसते हुए बाहर चला गया. ब्लैकस्मिथ, जो अपने मालिक को अच्छे से जानता था, वो समझ गया कि उसके मालिक ने आखिरी शब्द नहीं बोले, यानी मालिक कुछ छुपा रहा था. It was not more than half an hour before they heard the sound of the carriage wheels outside the porch. आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि वो लोग सुनते हैं कि मील के बाहर एक बग्गी आकर रुकती है. And a new guest came in, और एक नया मेहमान अंदर आता है. But this time, it was not the iron master. लेकिन इस बार ये iron master नहीं है. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. Iron master ने अपनी बेटी को वहां भेजा था. उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी बेहतर तरीके से मनाना जानती थी, जो वो खुद नहीं जानता था. तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी बची हुई कहानी के साथ. मुझे यकीन है आप सब ने इस चैप्टर को अभी तक बहुत एंजॉय किया होगा. अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में बाकी बची हुई कहानी के साथ. तब तक गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे.